और yes. <laughs> मेरी तारीफ हो रही है बेजती मुझे समझ में नहीं आ रहा बट जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है तीज़। तीज़। आपको दुख नहीं होता मतलब जब क्योंकि हमारी गाड़ी में जरा सा स्क्रैच भी लगता है तो हम एकदम दिल जैसी स्क्रैच लगी आप मुझे दे दो अच्छा <laughs> मैं बिल्कुल रुकी हुई थी मेरी गा, गाड़ी रुकी हुई थी लेकिन एक साइकिल वाला आते आते जो एक शिल्पा शेट्टी <laughs> नहीं नहीं भाजी का ली वो धाड़ करके मेरे बॉनेट पे आके <laughs> लैंड हो गया हाँ। थ्री में दो गालियां हैं और एपिसोड नंबर 7 में एक गाली है उसके अलावा नो वल्गैरिटी नो सेक्स सीन नो न्यूडिटी किसमें कुछ नहीं है क्यों आप डिसअपॉइंट हो गए <laughs>

पुलिस से किस किस पर डर लगता है सबको गाड़िया किस किस को पसंद है सबको।, सबको गाड़ी पे स्क्रैच आ जाता है नई गाड़ी पे तो दिल किसका टूटता है फिटनेस का शौकीन कौन कौन है तो आज मेरे मोहल्ले में दो ऐसे लोग आने वाले हैं जो गाड़ियां उड़ाते हैं जबरदस्त फिल्में बनाते हैं फिटनेस उनकी जबरदस्त है तो एनी गैसेस गैसेस आपको पता ही है यार तो बुला लें लेट्स कॉल मोस्ट लव फिल्मेकर रोहित शेट्टी एंड शिल्पा शेट्टी oh, awesome. <audio> दिल्ली की सर्दी अच्छी सिर्फ डर था कि फ्लाइट लैंड होगी कि नहीं मुझे भी डर <laughs> मैं भी मुंबई में था अच्छा तो 6 घंटा बस वो वही एक है दिल्ली बाकी दिल्ली की सर्दी पिछले साल हमने यहीं शूट किया था नवंबर दिसंबर आई थिंक और अलग ही होती है दिल्ली की सर्दी डेफिनेटली बाकी देशों शहरों से मुझे इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं देनी आई एम जस्ट हैप्पी आई एम हियर पुलिस से कनेक्शन कई सालों से है और मैंने जब सिंगम बनाई तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर एक एसोसिएशन बन गया उनके साथ खास करके मुंबई पुलिस के साथ और उनकी एक पर्सनल लाइफ उनकी जर्नी और सिर्फ उतना ही नहीं बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस ऐसे मिशन होते हैं जिनके बारे में एक आम आदमी नहीं जानता तो वो बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए एक इमोशनल कनेक्ट बनता चला गया और फिर वो किस तरह से एक ब्रांड बन गया आप मुझे भी नहीं मालूम बट शुरुआत उसकी सिंगम से हुई रोहित शेट्टी पुलिस यूनिवर्स मैंने उस पर भी देखा था ट्रेलर लॉन्च पे भी और वेरी एक्साइटेड शेरू जो यू इज अ नेम शेरू शेरू अरे शेरू है यार शेरू 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 आपको तो देख के भूल जाते हैं हां 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 सो हाउ डज इट कवर अप अच्छा किया अच्छा था अच्छा था इट वॉज़ एन अमेजिंग फीलिंग फॉर स्टार्टर्स कुछ बहुत ही ऐसे स्पेशल लोग होते हैं देखो भगवान ने दुनिया बनाई और लोगों को बनाया और फिर जब उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपनी दुनिया बनाते हैं एक पूरा कॉप यूनिवर्स बनाया उन्होंने एंड uh, उस यूनिवर्स में हम जैसे एक्टरों को डाल दिया है सो इट्स नथिंग बर अ कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगा आई थिंक सबसे कमाल की बात यह है रोहित के साथ काम करते वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि आर्टिस्ट के लिए बहुत आसान हो जाता है यू नो हम हमको अदरवाइज कितना सब सोचना पड़ता है एवरीथिंग फ्रॉम द द अटायर टू यू नो द द एटीट्यूड टू द ग्राफ तो वो बहुत सिम्प्लीफाइड तरीके से मतलब ऑन अ प्लेटर करके दे देते हैं हम लोगों को तो वी जस्ट लिटरली हैव टू ओनली गो देयर एंड परफॉर्म

ऑलरेडी बार गाड़ियाँ उड़ाना हो कॉप यूनिवर्स तो इसमें और क्या कुछ होने वाला बिकॉज वेन एवर यू ब्रिंग समथिंग और पहले तो आप तीन घंटे की फिल्म बनाते हैं ढाई घंटे तीन घंटे की अब तो पूरी की पूरी वेब सीरीज है तो बट वो फिल्म की तरह ही है जो एक एक्सपीरियंस जब अमेजोन और हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था कि एक वेब सीरीज करना है आपके साथ तो मेरा यह था कि मतलब जो नॉर्मल एक वेब सीरीज होती मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ी वेब सीरीज बनाई हो समथिंग लाइक दैट बात बजट की होती है तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ अ बजट इज देयर और वो स्केल अगर हम ओटीटी पे कर सकते हैं देन आई एम इंटरेस्टेड मैं जरूर करना चाहूँगा एंड दे वर रियली लाइक कि नहीं हमें वैसे ही करना है जैसे आपने सूर्यवंशी की है या जिस तरह की आपकी फिल्में होती हैं हमें वही स्केल पर काम करना है और उस तरह का एक वेब सीरीज क्रिएट करना है जो एक हमारी मास ऑडियंस है जो हमारी जो कॉप यूनिवर्स की ऑडियंस अगर हो सिम्बा हो गए सूर्यवंशी हो गई वो ऑडियंस को हम एक एक्सपीरियंस ओ टी टी पे देना चाहते हैं उसी तरह का तो जब आप ये सीरीज देखेंगे भी तो आपको लगेगा कि आप ब्रेक्स में जहां तक मुझे लग रहा है वन गो में ही ज्यादातर लोग देखेंगे क्योंकि तो हमने लेंथ वैसी रखी हुई है कि आपको एक्सपीरियंस वही होगा कि आप शायद फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म में जितनी गाड़ियां उड़ती हैं सर इसमें उसका कितना गुना ज्यादा उड़ी मतलब क्योंकि एवरीवन इज वेरी एंग्शियस कि इस बार बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो चाहिए वो मिल जाएगा जो चाहिए हर तरह की हर तरह की पर आपको दुख नहीं होता मतलब नहीं। जब आ, क्योंकि हमारी गाड़ी में जरा सा स्क्रैच भी लगता है तो हम एकदम दिल जैसी स्क्रैच लगी अब मुझे दे दो अच्छा <laughs> <laughs> भाई किसी के पास है स्क्रैच वाली गाड़ी अच्छा कौन कौन अच्छा ये बताओ कौन कौन है जिसकी गाड़ी अगर रोहित सर चाहे उनकी फिल्म में उड़ जाए तो वो दे सकता है कोई सच दे? में, सच में सर मैं हाँ। उठ, उठ, उठ के बता दीजिए आप बहुत बहुत मतलब देख नोट कर लेंगे वो अगली बार मंगा लेंगे गाड़ी मुंबई भेजनी पड़ेगी <laughs> <पड़ें। laughs> आपका पार्किंग लॉट तो नहीं है मैम बाद मुझ पर केस हो रहा है अच्छा आपने वेट गेन किया इसके लिए खूब

गॉड गॉड oh मैं आज गाड़ी से इसलिए नहीं आई पता है मुझे डर लग रहा था थैंक यू मेरी तारीफ <laughs> हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा बट <laughs> जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। जी, हेलो सर हेलो मैम मेरा सर रोहित सर से है सर मेरा नाम शिवानी है मैं एक्टिंग में हूँ कुछ वेब सीरीज और सीरियल्स और एड्स वगैरह किए हैं मैंने और मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है आफ्टर फोर्टीज़ नाउ एम 47 तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी एज के जो एक्टर्स हैं जो लेडीज़ हैं उनको और क्या ऐसा दिमाग में रखना चाहिए कि उनको और ज़्यादा काम मिले जो वो करना चाहती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रोहित शेट्टी फिल्म में कास्ट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली मैं हाँ? आपको बताऊँ दिल्ली के बहुत एक्टर्स हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं इस सीरीज़ में जब हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो दिल्ली से हैं एंड एज नंबर होता है मैम आई थिंक एज को तो आप दिमाग से निकाल ही दो के? और आजकल तो इतने सारे ऑप्शन हैं जैसे वेब सीरीज़ भी है टेलीविजन है फिल्में बन रही है डिजिटल फिल्में बन रही हैं और आप कितने नए चेहरे कितने नए एक्टर्स आप देखते हो जो हर एज के होते हैं सो so, आप अगर एक अच्छे एक्टर हैं तो आप ये मत सोचिए कि एज इज मेरी मेरी एज क्या है क्या होगा अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आप ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे थैंक यू सर थैंक

दिस क्वेश्चन इज देन फॉर रोहित सर ओनली फोर दार्ट हाल ही में मुझे भी पता चला कि इन्होंने एक्चुअली किसी मेल काउंटर पार्ट के लिए लिखा था फिर पता नहीं के लिए लिखा पता नहीं दिमाग में क्या आया पता नहीं कि उन्होंने सडनली चेंज कर दिया उनको लगा होगा कि शायद तीन आदमी बहुत ही बोरिंग लगेंगे स्क्रीन पे नो फीमेल एलिमेंट

हम सामने आपकी मूवीज देखी है एंड एज अ डायरेक्टर एज अ स्टोरी टेलर जब हम सिनेमा को ऑन अ सेल्यूलोइट देखते हैं फिल्म देखते हैं फीचर देखते हैं और जब हम वेब शोज देखते हैं क्योंकि ओ टी टी की जो सर्च और वेब आई है उससे वेब शो का जो ट्रीटमेंट है दैट इज मोर ऑफ रॉ और सिनेमा इज मोर सिनेमैटिक इट्स लाइक थोड़ा ग्रैंड होता है तो एज अ डायरेक्टर आपके लिए दोनों करना वॉट वॉज डिफरेंट पार्ट और डिफिकल्ट पार्ट जो चैलेंजेस आपको आए इस सब में क्योंकि एपिसोडिक भी होते हैं सबके कैरेक्टर आर्क्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी <laughs> देखिये मेहनत तो चाहे वो आप फिल्म बनाए या आप आप वेब सीरीज वो टेलीविजन सीरियल बनाए मेहनत सभी में जो एक एक्सपीरियंस हमने किया जो नई चीज मेरे लिए थी मेहनत उतनी थी शूट भी हम वैसे ही कर रहे थे जैसे किसी फिल्म को शूट करते हैं ट्रीटमेंट भी क्योंकि अमेजोन uh, का ये था कि हमें वो फिल्म जैसे ही फॉर्मेट चाहिए तो आप देखेंगे तो गाने भी हैं इसमें आज ही एक गाना रिलीज भी हुआ है सो so, ये था कि इट्स लाइक मेकिंग टू टू हाफ यू नो वो स्टोरी और वो कैरेक्टर्स के साथ और उस ट्रीटमेंट uh, के साथ बहुत uh, uh, लंबा वक्त आपको गुजारना पड़ता है एंड uh, एक पैरल दो कहानियां चलती हैं uh, तो मेरा ये था कि जब हमारे हमने लिख लिया तो आई वोसले लाइक एक जो कॉप की स्टोरी है जो एक पैरल जो कॉप का यूनिवर्स चल रहा है या जो उनकी स्टोरी उनका इन्वेस्टिगेशन कर चल रहा है वो मैं एक अलग ट्रीटमेंट चाहता था और जो दूसरे जो हमारे नेगेटिव फोर्स है उसका मैं एक अलग ट्रीटमेंट चाहता था देन माय चीफ एडी सुषमा मैंने उनको कहा कि मैंने उनको लॉन्च किया कि तो यू डायरेक्ट हम दोनों डायरेक्ट करते हैं सो so, दो अलग ट्रीटमेंट आपको देखने मिलेगा फिल्म में ऐसा नहीं होता है होते हैं डायरेक्टर डीओ होते हैं मस्तान जै, सर जैसे बट uh, इसमें वो था कि दो अलग है दो अलग कहानियां चल रही हैं और एक की दुनिया अलग चल रही है और ये जो पुलिस की टीम है जो पुलिस की दुनिया वो उसको फॉलो कर रही है उसके पीछे तो बहुत मजा आया जब आप देखेंगे तो ट्रीटमेंट भी आपको नजर आएगा कि दो अलग जर्नी है दो अलग वर्ल्ड है

no i i joined you on your birthday you started i think uh, i think 10 15 days before that i think uh, within two years within, within two years wo bhi isliye because uh, i i underwent an injury action okay. karte waqt ha wo yeah. kaise hua tha हाँ, वो तो yeah. हाँ, एक्शन कर रहे थे बहुत एक्टर्स की हड्डियां तोड़ी हैं तोड़वाई हैं सच्ची एक्शन करते हुए ऐसे तो एड भी बनते हैं मेरे पे देखा नहीं, नहीं। रणबीर का मेरा एड है मैंने मैसेज किया उनको मैंने कहा सर वो आप एड मेरे साथ बना सकते थे रियल लाइफ कहानी है मेरी यू हैव टू पे मी रॉयल्टी यू यूज माय कहानी नो आई मीन एक्चुअली बनाते बहुत जल्दी है और नॉर्मली जब हम शूट करते हैं यू काइंड ऑफ थिंक दैट अ प्रोजेक्ट विल बी ओवर विद इन 35 40 डेज वो वही 35 40 डेज को एक्चुअली कंप्रेस करके 20 दिन में खत्म कर देते हैं क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होता है नॉर्मली फिल्म सेट्स पे डिस्कशंस hmm. uh, में और आई थिंक ओवर हियर दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ विद रोहित कि जब आर्टिस्ट सेट पे आए तो बिल्कुल आए और काम करके चले जाए सो यू नो यू डोंट वेस्ट एनी टाइम इन डिस्कशंस एंड

क्यों भाई बात तो ठीक है अच्छा ये जो जल्दी खत्म कर देते हैं तो पैसे एक्स्ट्रा देते हैं कम देते हैं सर पैसों के बारे में नहीं बात करें हम <laughs> जितना भी था इन्होंने ही ले लिया सब है? बचा ही नहीं हंस भी रहे हैं वो नहीं नहीं बनता है हाँ बनता बनता

मैं, ना। <laughs> मैं के ट्व सेगमेंट के साथ काम करती हूँ इसरो के साथ नासा के साथ वगैरह करती हूँ बच्चों के विजिट्स एंड जो भी स्पेस मिशन हो रहे हैं उसके अंदर काम कर रही हूँ अभी तो आ, सर मेरा क्वेश्चन फिल्म रिलेटेड तो नहीं है वैसे हम आ, कभी भी डिनर लंच पे बैठते हैं तो माय फैमिली दे आर लाइक ऑल द बेस्ट लगा दो तो या ला, फिर कुछ आपकी मूवी लगा दो नहीं सीरियसली दिस इज दिस इज ट्रू बट माई क्वेश्चन टू यू आई रिसेंटली सॉ योर एपिसोड इन कॉफी विद कारन उसमें आपने बताया कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड देन यू ऑल्सो हैड यूर स्ट्रगल्स तो यू ऑल्सो सेट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क वहाँ तो करके पहुँच गए फिर पैसे भी आ गए वॉट काइंड ऑफ एटीट्यूड चेंज यू हैड आफ्टर डैट क्योंकि एक बार जब वो आ भी जाता है ना तो बहुत लोग जैसे फ्री जैसे सर ने अभी बोला अमित जी ने कि फ्री में लोग काम करने को आपके लिए तैयार हो जाएंगे बट देन हाउ डू यू वर्क इट आउट आई थिंक दो तरीके होते हैं जो जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने लोगों को देखा है एक होता है कि चीज दिमाग पर चढ़ जाती है एक होता है कि चीज दिल पे आ जाए तो चीज दिल में आना सक्सेस दिल में रहना जरूरी है दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए जब वो दिल में रहती तो आप डेली उठ के आप थैंक यू बोलते हो क्या यार मैं लकी हूँ कि लोग इतना प्यार करते मेरी फिल्में चल रही है सर झुका के अपनी मेहनत करते रहो और काम करते रहो जब वो दिमाग पे चढ़ जाती है फिर आपको लगता है कि मैं ही हूँ और वहाँ से फिर डाउनफॉल शुरू होता है इंसान का क्योंकि हर फिल्म में हर सक्सेस में अब जैसे आप आपकी फैमिली या आपकी मॉम या ये सब कहते हैं कि ऑल द बेस्ट देखना है तो ऑल द बेस्ट में तो राइटर्स भी थे ऑल द बेस्ट में एक्टर्स भी थे ऑल द बेस्ट में अजय एज ए प्रोड्यूसर भी थे तो कितने लोगों की मेहनत लगी होगी वो फिल्म बनाने में मैं अकेले निकल के कैमरा लेके तो मैंने फिल्म नहीं बनाई तो सक्सेस जब आप ये सोचते हैं कि और सही वक्त पर बन गई सही कहानी का मिलना ये लक फैक्टर भी होता है यू you नो know, बहुत सारी चीज़ों में हम हमें लगता है कि हम कर रहे हैं बट ऐसा होता नहीं है तो जब आपको आप डेली उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड रखें कि यार मैं मतलब इतनी तरक्की मिल गई है इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है लोग इतना प्यार करते हैं फिल्में चल रही हैं सो so, मैं क्या दे सकता हूँ मैं और मेहनत कर सकता हूँ उस मेहनत में आप कभी सही जाएंगे कभी फेल होंगे कभी पास होंगे मेहनत बढ़ गई मेहनत कम नहीं हुई अगर मैं आपको सच बताऊं तो आ, मेरी टीम को पता होगा कल मैं सिंगम की शूटिंग हैदराबाद में कर रहा था ये भी टीम मेम्बर्स है हमारे सब साथ में हमने सुबह परसों सुबह साढ़े सात कितने बजे पैकअप हुआ सेवन थर्टी सुबह हमारा पैकअप हुआ हमने सुबह उसके एक दिन पहले बारह बजे शूटिंग शुरू की थी क्योंकि मुझे यहाँ आना था हम बजे निकले आए पैकिंग किए और फिर मैं यहाँ पहुंचा कल रात को जाके करीब घंटे के बाद कहूंगा क्योंकि इतना प्यार जो मिलता है लोगो से वो बहुत रेयर होता है बहुत कम डायरेक्टर्स को इस तरह का ऐसा है की मुझसे बहुत कई कई ज्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा बट वही है ना एक लक फैक्टर है तो so, मैं मेहनत कर सकता हूँ और सो so, गाड़ियाँ बहुत उड़ा ली रॉकेट्स कब उड़ा रहे हो बच्चों के लिए आई थिंक दंगर जनरेशन पता है एलॉन मस्क सेट के ना अभी कार भेजने वाले थे जब वो तो बोला तो रोहित शेट्टी तो सही था ये तो रोहित ने कब से बोला कि गाड़ी <laughs> जाएगी ऊपर <laughs> and ma'am you look really beautiful you look really beautiful you look like a doll seriously <laughs> सर एक चीज और जो मैंने आई वाज प्रेजेंट एट द ट्रेलर लॉन्च आल्सो जो आप अपनी टीम को क्रेडिट देते हो तो रोहित शेट्टी एंड टीम आता है एंड वहां पे uh, बहुत ग्रैंड इवेंट था एंड हर मेंबर छोटे से छोटा हिट द नेम वो स्टेज पे आए उन्होंने सबको मिलवाया आई so, थिंक जो टीम uh, को ये साथ लेके चलते हैं think, वो, कि मेरी तो टीम ही सब करती सो so, इसके लिए तो आई थिंक ने नाम आ गया, नहीं बना सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे। वो भी नहीं कह सकता वो राइटर भी नहीं कह सकता सबकी मेहनत से फिल्म बनती है दो सौ तीन सौ चार सौ लोग होते हैं जो जब इकट्ठा होते हैं सेम एनर्जी होती है Uh, सबका लक्ष्य एक रहता है कि अरे हमें मेहनत करना है एक अच्छी फिल्म बनाना है तब जाके फिल्म चलती है अच्छा शिल्पा पुलिस से पहला एनकाउंटर कब हुआ था लाइफ में मतलब पहला चलान कब कटा था पहली बार पुलिस ने कब पकड़ा था कोशिशoverline में हम बात ना ही करें तो बेटर है <laughs> 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 सच में अच्छी बातें फिल्मों में आने से पहले ही आ बात हाँ। फिल्मों में आने से पहले बाद में इतना बता दीजिए <laughs> मैं एक्चुअली मैंने मेरी पहली फिल्म जो थी मैंने करी जब मैं सत्रह साल की थी तब आ, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला था और मेरा बड़ा मन था कि मैं ड्राइविंग सीखूं तो मैं पहले दिन आ, अपने ड्राइवर के साथ निकली और बाजीगर तभी नई नई रिलीज हुई थी तो मैं मैं बिल्कुल रुकी हुई थी मेरी गा, गाड़ी रुकी हुई थी लेकिन एक साइकिल वाला आते आते एक <laughs> नहीं नहीं गया वो धाड़ करके मेरे बॉनेट पे आके <laughs> <लैलों के था। laughs> उसके बाद और ऑब्वियसली पुलिस पुलिस आई वहां पे और वो उसको लगी भी थी बेचारे को लेकिन उसको कोई पड़ी नहीं थी <laughs> वो बस मिलना चाहता था मुझसे उसके बाद जो मेरे मेरे दिल और जहन में जो डर बैठा उसके बाद मैं कभी ड्राइविंग सीख ही नहीं पाई अभी तक नहीं मतलब मैं ड्राइव कर सकती हूँ लेकिन वो डर लगा रहता है कि भैया मेरी वजह से किसी को लग नहीं जाए तो मैं ड्राइव करती ही नहीं तो वो मेरा पहला और आखिरी एनकाउंटर था, था कॉप्स के साथ बाकी अब जो इंडियन पुलिस फोर्स में जो तो हुआ ही हुआ है खैर खूब सारा एनकाउंटर जी जी, जी। भगवान करे किसी का भी वास्ता नहीं पड़े कॉप्स के साथ सिर्फ आपका कब हुआ था सबसे पहले मतलब पुलिस से आमना सामना नहीं चालान कभी नहीं करूँ नहीं नहीं सर बाकी भी तो कांड होते हैं लाइफ में नहीं, चालान कभी नहीं, नहीं। कांड नहीं कभी नहीं सच सच बता ना किस किस को पुलिस ने पकड़ा है रोका है सभी को रोका होगा हाँ जी जी तो मतलब आप चालान से बच जाते थे या मौका ही नहीं आया यू वर लाइक वेरी ओबीडियंट पता नहीं लेकिन कभी ऐसा हुआ है नहीं कभी नहीं पता ना चालान ना पुलिस केस अभी तो खैर वो बोलने बोलना चाहते थे कि मैं खुद ही पुलिस वाला हूं हां मैं बोनाफाइड मेंबर ऑफ द ऑफ द फोर्स अभी तो वो आएगा तो कहेगा सर कुछ मेरे लिए भी हो बट तो ये यू नो एक कमाल uh, की चीज uh, मुझे पता चला फिल्म uh, मतलब शूटिंग के दौरान एक्चुअली शूटि, शूटिंग के बाद उन्होंने कहा कि डिड यू नो दैट देयर इज अ सिंघम कट हम यस पुलिस वालों के yes, लिए यस yes, यूनिफॉर्म्स yes.

Rohit sir knows Anil charanjeet He's been my mentor, oh, okay. and yes, and I've been mentor to all these actors sitting out here. Oh. I run an acting school in Delhi, oh. so all these are Bhavra's team. Um, so I have a question for Shilpa ma'am. Uh, ma'am, congratulations for newly opened Bastion you. and your upcoming project. So ma'am, recently we Sukhi, and we really loved the character, both homely and. Uh, सडनली दिस मच हाई जम्प टू दिस कैरेक्टर सो मेरा क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी आपने तैयारी की इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो आपने पहले अपने किसी भी कैरेक्टर के लिए नहीं की है तो ऐसी कुछ तैयारी स्पेसिफिकली आई थिंक बहुत मुश्किल है दो फिल्मों पर एक साथ काम करना जो इतने डाइवर्स है तो ऐसे दो किरदार मिले मुझे uh, मैं शूटिंग कर रही थी सुखी के लिए और वन आई वॉज ऑफर्ड द रोल ऑफ तारा शेट्टी मैं करना तो चाह रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको अप्रोच कैसे करूं। तो आई गिव ड्यू क्रेडिट टू रोहित दैट रियली हैंड हेल्प मी एंड यू नो हेल्प मी थ्रू द जर्नी बिकॉज सुखी के लिए थोड़ा सा मैंने प्रेप किया था क्योंकि आज का तो ज जो ये दौर चल रहा है वर्कशॉप्स uh, करने का रीडिंग सेशंस वो मैं कर पाई सुखी के लिए और ये एक नया एक्सपीरियंस uh, रहा मेरे लिए आई विश आई कुड हैव डन दैट बट रोहित डज इन वर्क लाइक दैट आई थिंक वी बोथ बिलोंग टू यू नो वी कम फ्रॉम द नाइन्टीज़ तो आई थिंक मेरी uh, मेरे जो अनुभव है नाइन्टीज़ से दैट आई पुट इन टू प्ले बिकॉज इन द नाइंटीज़ आई हैव डन टू शिफ्ट इन टू डिफरेंट सिटीज़ आई यूज टू शूट आई रिमेंबर शूटिंग फॉर अ फिल्म इन बैंगलोर स्लीपिंग ऑन द फ्लाइट एंड डूइंग अ शिफ्ट हेयर इन इन मुंबई

आई थिंक यू आर एज गुड और बैड एज द डायरेक्टर यू नो इन एनी फिल्म तो एक एक्टर कभी भी कम्प्लीट श्रेय ले नहीं सकता तो इस किरदार को अगर लोग पसंद करेंगे अगर सुखी को लोगों ने पसंद किया तो उसका श्रेय मैं सोनल को दूँगी और तारा शेट्टी को अगर पसंद करेंगे आई पी एफ में जो मुझे पता है लोग पसंद करेंगे उसका श्रेय पूरा पूरा जाना चाहिए हमारे डायरेक्टर साहब को <laughs> एक तरफ सुखी और एक तरफ आप क्रिमिनल्स को कर रही थी दुखी। <laughs> सर सिद्धार्थ, विवेक, श्वेता तिवारी, बाकी भी अमेजिंग इसमें लाइनअप है थोड़ा सा वो लोग हाँ नहीं है, बट, आ, उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा आप अगर कहानी स्प्रेड आउट होती है हम नहीं बता सकते डिटेल्ड उनके बारे में सो so, इसी तरह से ये सारे कैरेक्टर्स हैं एंड उनके बेसिकली चाहे वो श्वेता हो वैदेही करके एक हैं वो हैं ईशा हैं तो इन सब की जब आप सीरीज देखेंगे यू विल रियलाइज के ग्रेजुअली मतलब वो क्योंकि वो जिस एक कैरेक्टर से कनेक्टेड है उनको हमने लाया ही नहीं है अब तक बाहर जो सीरीज में एक जो नेगेटिव फोर्स है आ, और उस वजह से बाकी भी बेचारे ज्यादा प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं हम उन्होंने हम उनको हिडन बॉक्स में रखा हुआ है और वो सब हम जब एक बार वेब सीरीज आ जाती है लोग लोगों ने देखना शुरू कर दिया उसके विल कौन है कौन है कौन है फिर कह रहे मैंने पूछा रोहित शेट्टी से वो बोल रहे कोई न्यू कमर है बहुत अच्छा है सब अपने अपने तरीके से जो है गेसेस कर रहे थे तो ये आपने जो लास्ट में छोड़ा वो टीजर वो कहीं ना कहीं वो इन सारे कैरेक्टर से कनेक्टेड भी है Next. So, I'm Mohan. Good evening, am. From you. आपसे बात करना चाह रही थी एक आपकी मोहब्बत इंडियन पुलिस के लिए है दूसरी गोवा के लिए है वो सबको मालूम है और तीसरी मेरे को पता नहीं थी पर मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि आपके प्रोजेक्ट्स जैसे ही खत्म होते हैं रिलीज़ हो जाती है मूवीज़ फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं एंड मंडे से यू आर ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स तो आप लोग उनके क्या आ रहे हैं कितनी उनकी प्रोडक्शन्स के सेल्स हो रहे हैं कितनी रिलीजेज़ हो रही हैं कितने थिएटर्स में यू आर नॉट ज़्यादा बॉदर्ड और कंसर्न बिकॉज यू जस्ट चेंज गयर्स एंड टेक अप द न्यू प्रोजेक्ट्स इमीजिएटली लाइक आपने इंडियन पुलिस फोर्स के लिए भी यही कहा था कि इमिजिएटली हम लोग ख़त्म होते ही दूसरे प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं

हेलो मैम सो मेरा नाम वर्षा बेलवाल है एंड मैं भावरा सेक्टर स्टूडियो से हूँ क्वेश्चन <laughs> <Okay. Bad, man. laughs> so, आप दोनों से ये मैं जानना चाहती हूँ करियर uh, का कोई ऐसा माइल और ऐसी अचीवमेंट जो आपके दिल में बहुत स्पेशल जगह होल्ड करता हो. <laughs> <laughs> दोनों से मेरा क्वेश्चन ये दोनों से है आपसे पहले पूछा माइलस्टोन्स <laughs> तो बहुत सारी होती है अभी थर्टी इयर्स के करियर में किसी एक चीज़ को तो हम निकाल के बोल नहीं सकते बिकॉज इट्स अ सीरीज़ डिफरेंट फिल्म्स फॉर डिफरेंट रीजंस मेरे तो गाने इतने बड़े हिट हुए मेरी पिक्चरों से ज़्यादा मेरे गानों के लिए uh, मैं मैं जानी गई हूँ सो आई फील आई डोंट नो या आई फील कि ये जो uh, मेरा फेज है ना देर आए दुरुस्त आए आई फील लाइक like ये एक अलग शिल्पा शेट्टी लोगों को uh, दिखेगी अब एक टू पॉइंट ओ वर्जन तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड बाई मैं इस काम के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपने बच्चों को यू नो आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ टैलेंट टू माय चिल्ड्रेन ना कि मेरी पुरानी पिक्चर है आई जस्ट फील लाइक दिस डेफिनेटली विल बी अ माइलस्टोन, लोगों का नज़रिया भी यू you नो know, बदल जाता है किरदारों के साथ तो अब जिस तरीके से लोग देखते हैं मुझे सुखी के बाद आई के बाद um, लोग सामने से आके कहते हैं मुझे माई इट really so uh, like you know? so like जस्ट मेक्स मी फील सो हैप्पी दैट इवन एट दिस एज एज इज लाइक ही राइटली सेड एज कैन नेवर लिमिट एन एक्टर यू नो तो आई फील लाइक अ न्यू कम इवन टू वही जेस्ट है तो आई आई थिंक दिस विल डेफिनेटली बी अ माइल स्टोन इन माई लाइफ दिस फेज इज़ अ माइल स्टोन इन माई लाइफ सर से भी सवाल था ना आपका? जी जी मुझे था कि हाँ ये, ये मैंने अचीव कर लिया है। तक आया नहीं है और जो वर्स्ट काम है वो भी अभी तक आया नहीं है, है ना यही अगर रख के अगर हम चलते है ना लाइफ में क्योंकि जर्नी है ना अगर एक हमने सोच लिया कि ये मैंने अचीव कर लिया अब क्या

तो मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आप कुछ कैमियो ही कर दीजिए मैं खतरों के खिलाड़ी करता हूँ और मैं सुखी हूँ <laughs> <ना। laughs> <laughs> खतरों के और ये ना वही मैं जब उन्होंने सवाल पूछा <laughs> तो मैं वही कह रहा था मतलब रेयरली ऐसा प्यार मिलता है डायरेक्टर तो मैं अपने आपको लकी समझता हूँ इसका मतलब ये नहीं की अच्छा मैं एक्टिंग भी शुरू कर दूँ पता चले जितने ताली बजा रहे थे वो सारे भाग गए सर सबसे बड़े डीवा जो है ना हमारे सेट पे ये गलत फहमी है आपको अगर आपको लगता है मैं हूँ <laughs> अच्छा एक सवाल हमसे सब पूछते हैं जो मिलता है मैंने दो बार इनका इंटरव्यू किया मैंने शिल्पा शेट्टी सही में इतनी पतली है क्या आप सब देख के बता दो नहीं अलग से फ्रेम बॉडी बाहर रखा हुआ है <laughs> एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कब पकड़ा मैंने फोटो है मेरे पास झूठ नहीं है सबूत है हमारे पास आपको थोड़ी याद रहेगा इसको याद रहेगा मुझे रहे याद रहेगा रहे ना मैंने क्यों पकड़ा हाथ अरे कुछ बातचीत चल रही थी पकड़ लिया मतलब ठीक है तो वो आया। <laughs> <laughs> <एग नहीं>। <laughs> <तेड़ी>। <laughs> यार कोई इंस्टाग्राम पे निकालना वो पोस्ट मेरी फटाफट से आगे बोलो तो मुझे उसके बाद महसूस हुआ कि मैं दुनिया के सबसे लकी इंसानों में से एक हूँ ऐसा मुझे लोगों ने महसूस कराया <laughs> <laughs> मतलब अभी तो तू हाथ धोएगा ही नहीं तुम वैसे हाथ धो के पीछे पड़ गए थे मेरे यस <laughs> yes, वो भी था नेक्स्ट क्वेश्चन हाय सो माय नेम इज लक्ष शर्मा एंड आई एम एन एस्पायरिंग डायरेक्टर एंड अ राइटर सो आई एम बेस्ड इन दिल्ली ओनली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मिस्टर रोहित शेट्टी सर सर आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग लाइक एक डायरेक्टर और राइटर के लिए लाइक व्हाट मतलब इफ इफ आई पिच माई स्टोरी टू यू नो टू अ प्रोड्यूसर सो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर लाइक वॉट आर द की पॉइंट्स टू क्रैक नरेशन फॉर अ राइटर या फॉर अ राइटर यू टू बी अ वेरी गुड एक्टर फॉर दैट वेन नरेट

शुड बी अ गुड डायरेक्टर हिमसेल्फ मींस चाहे वो डायरेक्शन ना करे बट एक बेसिक सिनेमा की सेंस होना बहुत जरूरी है एंड एट द सेम टाइम ना एक आ, राइटर को स्पेशली ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है बैक ऑफ द माइंड जब वो अपने किरदार लिखता है कि वो उनसे ज्यादा प्यार में ना पड़े वरना वो लिखते जाएगा लिखते जाएगा लिखते जाएगा, लिखते जाएगा और कहीं जो उसका इमोशन होगा वो एक माँ और बेटे का इमोशन होगा लेकिन uh, जो ऑडियंस देखने आएगी ना वो जो शादी में बाराती आते हैं वो होते हैं कि उनको जल्दी घर भी जाना है खाना खत्म नहीं हो जाए वो भी देखना है तो थोड़ा सा हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए फॉर अ राइटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन ऑब्वियसली वॉट जॉनर यू वॉन्ट टू राइट डोंट ट्राई टू बी समन एल्स लाइक आई डोंट टू बी एल्स आई नो के मैं मास कमर्शियल फिल्म बनाता हूँ ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम नहीं होती है बट आई एम गुड एट वॉट आई एम डूइंग

इमेजिन करते होंगे उस वक्त ना बट जब उन्होंने वो लाइन आप टॉकिंग फिल्म में पढ़ोगे कि ही से इसके जब गब्बर आता था तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि अब ये क्या बोलने वाला है सो so, वो रिश्ता कैरेक्टर के साथ होना बहुत जरूरी है राइटर का और ख़ास करके अब हमारी हिंदी फिल्मों में वो मिसिंग है इसलिए वी आर स्ट्रगलिंग वी आर नॉट स्ट्रगलिंग कि हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है या हमारे पास डायरेक्टर्स नहीं है हमारे पास बिट ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आंसर है मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ बट राइटर्स की कमी है फिर

अच्छा सर इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अगर मैं बोलूं तो गब्बर टाइप की कैरेक्टर नॉट नेगेटिव की बात कर रहा हूं कि जो आएगा तो इंतजार रहेगा कि अब क्या होने वाला सर <coughs> <ओ>, हाँ। <coughs> एक तो ये हो गई दूसरी बता दीजिए दो तीन कैरेक्टर्स हैं इंडियन पुलिस फोर्स में जब वो वेट कर मतलब इवन वाई शूटिंग अच्छा भी इसका सीन है जब हम एडिट भी कर रहे थे चाहे वो तारा का कैरेक्टर हो चाहे वो सिद्ध का कैरेक्टर हो सबके अपने एक इमोशंस है सबको अपनी एक अलग एनर्जी है और तो दो तीन कैरेक्टर्स एक ही नहीं कहूँगा बट दो तीन कैरेक्टर्स के साथ बहुत मजा आता था कई बार आप फिल्म करते हैं तो आप लिख तो लेते हैं

कैरेक्टर एक्टर्स का कभी ऐसा नहीं होता है उनके के से और वो जिस तरह से परफॉर्म करते हैं कई बार राइटर और उस कैरेक्टर एक्टर की मेल ऐसी हो जाती है कि वो सीन ले उस सीन में। आपकी फेमस जॉनी गोलमाली उसमें इतने हीरो सलीम साहब ने एक बार कहा था कह रहे कि कितने आदमी थे ये कोई डायलॉग तो था ही नहीं हाँ। तो हमने तो ऐसे ही लिखा था वो तो, तो डायलॉग बन गया एग्जैक्टली तो इट है कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर लोगों को पसंद आने लगे लोगों की केमिस्ट्री ऑडियंस की केमिस्ट्री बन जाती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऑडियंस जाके अच्छा इस कैरेक्टर को पसंद करने लगेगी और या वेट करेगी कि अरे वो कब आता भावना अच्छा आइए प्लीज गुलाटी जी सर नॉर्मली लाइफ में क्या होता है कि जब हम एक सर्टेन पोजीशन पे पहुँच जाते हैं हाँ ये भी है बट हम एक सर्टेन पोजीशन पे जब पहुँच जाते हैं तो स्पेशली डबल कोर्ट्स में बोलूँगी रिश्तेदार ना बहुत आगे आ जाते हैं कि हमारा ये फायदा करा दो या हमारा ये करवा दो कॉल जाने लग जाते हैं कि ये काम निकलवा दो तो आपका पुलिस के साथ बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन बोलेंगे तो क्या आपके रिश्तेदार आपको कॉल करते हैं हाँ मैं यहाँ अटक गया या अटक गई जरा निकलवा दो इससे बात कर लो मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं जो अटके कहीं पर नहीं <laughs> <laughs> नहीं ऐसा नहीं होता है कई बार होते हैं या कोई एक तो ना डर बना हुआ है पुलिस का जो बेवजह बना हुआ है तो वो... कई बार ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई हेल्प चाहिए या अगर आप एक फोन कर देंगे तो कोई गलत काम के लिए नहीं सही काम के लिए पासपोर्ट के लिए भी फॉर देट मैटर

तो मैं थोड़ा पोलाइटली ये कर देता हूँ कि भाई ये मेरे टाइप की फिल्म नहीं है और मुझे यही ये पॉइंट्स ये लगा बाकी आप देख लो क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना लाइफ में करियर में और एज में कैसा हो जाता है ना एक एक एज और जैसे अभी आपको मैं दो बार बोलूंगा कि बाहर शाम हो गई है आप बोलोगे नहीं सर सन है धूप निकली है तो मैं दो बार बोलूंगा शाम हो गई तीसरी बार मैं अग्री कर जाऊंगा आपसे हाँ हो गई है चलो निकलते हैं आगे मतलब <laughs> <laughs> आपको पता है कि यहाँ पे क्लोज है नहीं एडिटर बोलेगा वाइड तो नहीं, अल्टीमेटली that... तो डायरेक्टर के ही विजन होता है वो एंड जो शूटिंग है लोगों को लगता है शूटिंग चल रही है तो फिल्म बन रही है बट फिल्म आ, स्क्रिप्ट के दौरान एक कमरे में बनती है और फिर दूसरे कमरे में एडिटिंग में बनती है शूटिंग तो एक प्रोसेस है कोई भी शूट कर सकता है थैंक यू चलिए भावना का सवाल मैम इस कैरेक्टर के लिए जो आप सीरीज में प्ले कर रही हैं क्या उसके लिए आपने एक्शन के लिए स्पेशली uh, क्या आपने कुछ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली या कुछ एक्स्ट्रा किया <laughs> <laughs> क्या कुछ बैंकॉक से टीम आई थी इनको करने के लिए <laughs> हाँ आई थी अरे सच बोल रहा हूँ नहीं मैं बिल दिखा देता हूँ मतलब बैंक का वीजा दिखा देता, देता।, तो देता। हूं नहीं नहीं अच्छा तो मतलब उसमें और सर आपसे ये क्वेश्चन है क्योंकि आप एक्शन फिल्म में बहुत ज्यादा बनाते हैं तो क्या मार्शल आर्ट किसी भी तरह से हेल्प करता है एक्शन करने में किसी भी एक्टर को या एक्ट्रेस को अगर उस तरह का एक्शन है फिल्म में जिसमें मार्शल आर्ट्स इंपॉर्टेंट है तो

वो एक बेसिक ट्रेनिंग हर चीज़ की होना जरूरी क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट कब आई आपके पास so uh, Yeah, you did the same. तो वो बेस बन जाता है यू नो हाउ टू स्पार यू नो यू नो टाइमिंग बट बाकी सब ऑन ग्राउंड ही सीखने को मिलता है तो क्योंकि मैंने एक्शन पहले भी किया हुआ है यू लर्न फ्रॉम फ्रॉम एक्शन स्टंट कोऑर्डिनेटर्स के कैसे पंच को लैंड होना चाहिए नहीं तो आप मार दोगे किसी को तो वो वो एक्सपीरियंस के साथ ही होता है और टाइम लगता है लेकिन यू हैव गुड टीचर्स एंड आर टेक्नीशियंस आर फैंटेस्टिक लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत रिहर्सल कर ले तो डेफिनेटली इट जस्ट बिकम स्मूदर ध्वनि एंड मैं हेल्थ चैनल में काम करती हूँ आप लोगों की भी हेल्थ काफी अच्छी है तो मेरा क्वेश्चन उससे से रिलेटेड है तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि यू स्टार्ट योर डे विथ बुलेट प्रूफ कॉफी and i don't think it's the first thing that should go into your body okay so i start my day with warm water okay <clears throat> ghee actually okay warm water with. with ghee no i start my day with ghee turmeric salt okay. with warm water over okay. it okay okay yeah. good but that hard. has nothing to do with health and all these are all lifestyle modifications. Right. Um, i think to enjoy good health you have to make a lifestyle modification that you can adhere to लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए ये जो क्रैश hmm. डाइट्स करते हैं लोग और फिर एक इंडिसिप्लिंड इंडिसिप्लिंड वे ऑफ लिविंग लाइफ दैट इज नॉट व्हाट यू नो दैट विल नॉट गिव यू लॉन्ग टर्म नो एक ऐड <laughs> आता है ना 21 दिन में मोटापा या घटाइए वो मैसेज आता है ना क्विक फिक्सेस सात दिन में भी आता है सर मोटापा घटे 7 दिन में अगर आपको शादी पे जाना है खूब सारे इंस्टाग्राम उस पे चलते रहते हैं इफ यू वांट टू अटेंड अ मैरिज इफ यू वांट टू लूज वेट इन 7 डेज दे विल गिव यू 7

आप Sunday खाओ संडे वेदर इट बी वो कभी कभी संडे का सैटरडे भी हो जाता है <laughs> <laughs> क्या होता है लेकिन मेरे संडे बिंज वीडियोस को देख के लोग जो है वो बिंज करते हैं पूरे हफ्ते और फिर संडे के दिन डाइट करते हैं तो ये समझ नहीं है, आता है मुझे आई जस्ट फील के यू हैव टू हैव 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 अ बैलेंस यू टू अ डिसिप्लिन एंड टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी ओनली देन कैन यू अचीव फिटनेस लॉन्ग टर्म है थैंक यू मैम सर मेरा क्वेश्चन आपसे भी है uh, अब अच्छा। पता नहीं मैंने तो पढ़ा था <laughs> अब सच है नहीं <laughs> कि आप फैंसी डाइट्स और ट्रेंडी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं कि एवोकाडो एंड यू लव घर का खाना बना हुआ ज्यादा हाँ बेसिक होना ही जरूरी है ना सारे बेसिक ही करते हैं और ट्रेंडी डाइट्स तो बिल्कुल नहीं यार वो कोई काम की नहीं है बकवास है वो तो मतलब वो, वो... नहीं 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 कीटो करो छोड़ो तो ज्यादा वेट बढ़ जाता है फिर कभी करना ही नहीं चाहिए बेसिक थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो सब सही रहता है वर्कआउट कर लो कि एक कैलरी काउंट दिमाग में रखो एन आज ही सेट के संडे बिन संडे की दिन ही करो एक बार हफ्ते में देन इट इज फाइन बट आईपीएफ को बिंज कब से करना है उन्नीस तारीख से उन्नीस तारीख से तो वो उन्नीस तारीख से आप लगातार 19 जनवरी से 19 जनवरी से और सर तो लास्ट में जाते-जाते कुछ आईपीएफ के बारे में एक क्लोजिंग टिप्पणी <coughs> तो भाइयों और बहनों <laughs> 19 जनवरी से आ रहा है इंडियन पुलिस फोर्स अमेज़ॉन प्राइम पर अगर आपको सूर्यवंशी पसंद आई अगर आपको सिम्बा और सिंगम पसंद आई अगर आपको कॉप यूनिवर्स पसंद आता है तो वो ऑडियंस के लिए आ, 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 मुझे यकी मुझे इस चीज का विश्वास है कि उन्हें आई भी पसंद आएगा इंडियन पुलिस फोर्स भी पसंद आएगा और डरने की जरूरत नहीं है घर पे भी देख सकते तो, हैं और एपिसोड में एक गाली है। उसके अलावा नो वलिटी नो सेक्सी नो न्यूडिटी जबरदस्ती का कुछ नहीं डाला है कुछ भी नहीं ना क्यों? आप हो गए? कौन सी जो फिल्म होता है हाँ तो मैं थोड़ी चेंज हो जाऊंगा नहीं, नहीं नहीं तो और एक एंटरटेनिंग सीरीज है आ, बहुत हमने आ, मैंने एक चीज और भी देखी थी कि लोग थोड़ा सा टायर हो जाते हैं या तीन चार दिन या पांच छह दिन तक देखते हैं आ, आ, कोई भी एपिसोड हमारा फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट से ज्यादा नहीं है और इट्स लाइक शॉर्ट सेवन एपिसोड है मेरी ऐसी इच्छा है ये तो मेरी इच्छा है कि लोग एक ही गो में देखें बिकॉज uh, वो उसके क्लिप हेंगर्स उस तरह के हैंटिव like uh, so, uh, वैसा हमने रखा है कि लोग एक ही बार में देखें कोशिश करके एक ही बार में देखें आई कैन अंडरस्टैंड के लेंथ uh, ज्यादा हो जाती है लोगों को और भी काम होता है एंड एक्शन uh, बहुत है uh, और जैसे एक रोहित शेट्टी की फिल्म में जो सब कुछ होता है वो सारी चीजें है। हैं एक के भाव में दो शट्टी मिल रहे हैं <laughs> ये तो बिंज करना है ये तो आप बोलोगे कि रोज बिंज कर लो मतलब हाँ। एक बार दो बार कितनी बार भी बिंज करो अरे फ्री में है देखो जितना <laughs> बिंज करना है उतना देखो फ्री में नहीं मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और पासवर्ड वासवर्ड मां मत मांगना ले लेना मेंबरशिप ठीक है तुम्हारे पास ऑलरेडी है नहीं मेंबरशिप मेरे पास तो है ये बाकी के सब लोग अभी किसके पास नहीं है Amazon Prime का मेंबरशिप थैंक गॉड देखो तुम जैसे कुछ इंसानों के साथ मुझे बात नहीं करनी मेरे पास तो है हमारे हमारे मेंबरशिप लेने वाले उच्च उच्च प्रकार के इंसान है वो मेरी टीम वो तोराक्षी गड़े वो मेरी मेंबरशिप पे सब देखती है Netflix Amazon सब कुछ बदनाम कर रहा है आपको नहीं नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू रोहित सर थैंक यू सो मच बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई होप कि साल की जो शुरुआत है वो एकदम बैंग ऑन रोहित शेट्टी स्टाइल में होगी इंडियन पुलिस फोर्स से एंड मजा आ जाएगा एक के भाव दो में दो शेट्टी मिली थैंक यू सो मच थैंक यू आप इंतजार कर रहे थे थैंक यू सो मच